माई नेम इस एंड टूडे वी विल गोइंग टू डिस्कस सी एम एम दैट इज केपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल सो फार वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच डी एल सी मॉडल्स सो द एच डी एल सी मॉडल्स वर बेसिकली फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ द डिवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सो जो हमारे एच डी एल सी के मॉडल्स थे वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिवलप करें उस प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहे थे बट केपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करना है उस पर फोकस नहीं करता है कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इज बेसिकली फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन्स मेचोरिटी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी मेच्योर है अपने वर्क प्रोसेस को लेकर के उस चीज़ पे फोकस करता है क्या कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल सो सी एम एम वॉज डिवलप्ड बाय अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन नाइनटीन एटी सेवन नाइनटीन एटी सेवन में सी एम एम वॉज डेवलप्ड बाय अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस करा क्या कि ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है मतलब सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिवलप करना है ये उस चीज़ से डील नहीं कर रहा है जिन कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम्स डिवलप हो रहे हैं प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जो कंपनीज़ हैं या वो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं हम कह सकते हैं वो कितनी मेच्योर हैं अपने प्रोसेस को लेकर के उस चीज़ पे ये फोकस करेगा कितने बेस्ट मतलब बेटर तरीके से और सी एम एम बेसिकली डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है हर एक लेवल मैच्योरर है अपने प्रीवियस लेवल से मतलब अगर अब वी आर ऑन फर्स्ट लेवल तो सेकेंड लेवल इज़ बेटर देन द फर्स्ट लेवल तो इस तरीके के पांच लेवल है सी एम एम में

चेक करने के लिए और मेजर करने के लिए बेसिकली कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल को बनाया गया है इट प्रोवाइड्स दी गाइडलाइन टू फर्दर एहैंस द मेच्योरिटी इट प्रोवाइड्स दी गाइडलाइन टू फर्दर द दैचोरिटी ऑल्सो मतलब अगर हमारा कोई भी कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर सपोज एज पर देयर वर्क कल्चर अगर वो सी एम एम टू लेवल पर है कैन से मतलब अगर वो सेकेंड लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे है तो थर्ड लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे हम कैसे मूव कर सकते हैं उस चीज़ से भी डील करती है कि वो आपको बताएगी कि आप फर्दर कैसे एनहेंस करके एक हाइस्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे जा सकते हो जो कि है मेचोरिटी लेवल फाइव नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर आर फाइव डिफरेंट लेवल्स ऑफ सी एम एम ईच लेवल शोज अ प्रोसेस केपेबिलिटी लेवल हर एक लेवल में एक अपने पॉइंट्स हैं एक अपने की एरियाज़ हैं जिसमें मेचोरिटी को हम अटेन करते हैं सो ईच लेवल शोज़ अ प्रोसेस कैपेबिलिटी लेवल कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है वो उन पॉइंट्स को लेकर के कितना कैपेबल है इस चीज़ से डील करता है हमारा ये ऑल द लेवल एक्सेप्ट लेवल वन आर फर्दर डिस्क्राइब्ड बाय अ की प्रोसेस एरियाज दैट इज़ अ केप के बेसिकली क्या है हर लेवल पर कौन कौन से पॉइंट हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर लेने चाहिए या कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जिनको जिन पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर हो जाने चाहिए उन चीज़ों से डील करता है वो की पॉइंट्स हैं बेसिकली वो जो पॉइंट्स हैं उनको हमने की पॉइंट्स बोला है यहाँ पे तो की प्रोसेस एरियाज मतलब वो की प्रोसेस एरियाज़ हैं के

कि के पी एस बेसिकली क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर लेवल की हर लेवल की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं तो एक लेवल को अटेन करने के लिए जो कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं वो KPS के पी एस के अंदर हमने डिफाइन करी है इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं यूजुअली हमने साइंस में पढ़ा है कि जैसे वन मीटर वन मीटर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वन मीटर अगर हम इंडिया में बात करेंगे वन मीटर तो सबको पता है कि वन मीटर इतने इतना बड़ा होगा एक इमेजिनेशन है एक लेंथ है जो कि फ़िक्स्ड है अगर वन मीटर को ही हम अमेरिका में बात करेंगे या किसी और यूरोप में जा कर के बोलते हैं किसी और कंट्री में जा कर भी बोलते हैं तो भी वन मीटर विल भी वन मीटर मींस जो लेंथ है उसकी वो वन मीटर की जो डिफाइंड है एरिया या लेंथ जो भी डिफाइंड है वो वही रहेगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी तो इसी तरीके से हमने इसमें क्या करा लेंथ को डिफ़ाइन कर दिया एक तो इसी तरीके से जो कैपेपिलिटी मेच्योरिटी मॉडल है हमारा जो सी एम एम है वो भी इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्डाइज करता है मतलब अगर हमने ये बोला कि इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो कि इफ़ दिस सो एंड सो कंपनी इज़ एट सी एम एम थ्री लेवल तो अगर वो सी एम एम थ्री लेवल में है तो वो पूरे वर्ल्ड में सी एम एम थ्री लेवल पर ही होगी मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में आकर के वो अचानक से सी एम एम फाइव पर हो जाएगी या सी एम एम वन वन पर हो जाएगी अगर उसको सी एम एम थ्री का सर्टिफिकेट मिल चुका है तो मीन्स इट इज़ वर्ल्ड वाइड वो वर्ल्ड वाइड उसने अपनी चीज़ों को अटेंड कर लिया है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में इलेवेंथ ट्वेल्थ के अंदर कि हम वन मीटर को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म से डिफाइन करा गया है तो ये उसी तरीके से है सो लेट्स सी वॉट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सी एम एम सो so, हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट लेवल्स हैं सी के कौन कौन से लेवल हैं अगर देखें तो लेवल वन टू थ्री फोर फाइव हर एक लेवल का एक अपना ही नेमेंगे फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज इनिशियल लेवल सेकेंड इज कॉल्ड एज रिपीटबल थर्ड डिफाइंड मैनेज एंड ऑप्टिमाइज सो so, अगर हम इन नाम को ही खुद से डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसमें नॉर्मली हम क्लियर कर सकते हैं चीज़ें कैसे इनिशियल लेवल मतलब अभी स्टार्ट हुई है कंपनी किसी चीज़ को कुछ भी डिफाइन नहीं करा है आपने कोई भी चीज़ें नहीं रखी बस आपको प्रोजेक्ट मिला आपने डेवलप करा दे दिया इस तरीके से काम चल रहा है कोई प्रोसेस डिफाइंड नहीं है आपकी कंपनी में लेकिन अगर हम यही लेवल टू पे आते हैं दैट इज़ अ रिपीटबल तो इसमें क्या करा है आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए पहले से क्योंकि इनिशियल मींस एक फ्रेश लेवल पे एक कंपनी है रिपीटेबल पे हम ये मान सकते हैं लेवल टू पे कंपनी आ गई तो उसने कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं जिनके बेसिस पे वो और प्रोजेक्ट्स को ले रही है मार्केट से और जो पहले प्रोजेक्ट्स बनाए थे उनके ड्रॉबैक्स को उनके भी जो वीक पॉइंट्स थे उनको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रही है तो और थोड़ा सा फोकस बन रही है अपने काम के तरफ लेवल थ्री की बात करें दैट इज़ अ डिवाइंड डिफाइंड लेवल तो डिफाइंड लेवल में यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हमने प्रोसेस को अटेन कर लिया लेवल टू में उनको और बेटर तरीके से डिफाइंड कर देंगे यहाँ पे और अच्छे तरीके से क्या बोलना चाहिए उसकी फिनिशिंग करेंगे और अच्छे से उसकी फर्निशिंग करके फिनिशिंग करके और अच्छे से यूज़ करेंगे डिफाइंड और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से डीप में चला जाता है नो मैनेज लेवल फोर हमारे जो है मैनेज मैनेज लेवल का मतलब क्या हो गया कि हमने अपने प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिफाइनिंग सारी चीज मतलब एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जितनी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए हमने सब अच्छे से डिफाइन कर दिया है अब लेवल फोर पे आते हैं तो लेवल फ़ोर हो जाता है और मैनेज्ड प्रोसेस होना चाहिए मतलब जितनी चीज़ें हमने डिफ़ाइन कर दी उनको और बेटर मैनेजमेंट कैसे दें उस चीज़ से डील कर रहा है उन पॉइंट्स को हम इसमें डील करेंगे एंड लेवल फाइव इज दी लेवल फ़ाइव इज़ दी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजिंग लेवल विच मीन्स कि हम अपने प्रोसेस को सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया अच्छे से मैनेज कर दिया सब कुछ हो चुका है हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अब ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन मतलब हर तरीके के उसमें इफ़ एंड बट्स लगा करके देख रहे हैं हिट एंड ट्रायल यूज़ करना शुरू कर रहे हैं कुछ नई चीज़ों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं इस तरीके से और मतलब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आपने सब चीज़ कर दी, आपका काम अच्छा चल रहा है लेकिन उस काम को और ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे कर पाएंगे वो ऑप्टिमाइजेशन लेवल में होगा तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर जो कंपनी लेवल वन में है तो उसको लेवल टू में जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा ये जो यहाँ पे मैंशंट है ये सारे के पी एज हैं बेसिकली ये के पी एज सो ये सारे केपीएज हैं हर एक लेवल के इनिशियल लेवल में कोई भी केपीएस नहीं है और अगर कोई कंपनी लेवल थ्री में है तो दिस इज सपोज्ड और ये माना जाता है और दिस इजैट कि दैट कि उसमें सारी क्वालिटीज ऑफ लेवल वन एंड लेवल टू हैं मतलब लेवल वन लेवल टू उसने कंप्लीट करके तब वो लेवल थ्री में आई है तो मतलब अगर कोई कंपनी लेवल थ्री में है तो उसके पास प्रीवियस सारी क्वालिटीज़ हैं इनहेरिट करती हुई आ रही है वो सारी चीज़ इसमें इनहेरिटेंस फॉलो हो रही है अगर इफ़ एनी कंपनी इज एट लेवल फाइव मीन्स इट हैज़ दी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द फोर लेवल्स ऐसा नहीं है कि वो पुरानी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के आ गया इट हैज़ इनहेरिटेड ऑल दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लास्ट फोर लेवल्स तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनेगी उस चीज़ के लिए हो गया अब हम रिपीटेबल लेवल के अंदर और ये सारे लेवल्स uh, के अंदर कौन कौन से के पी हैं उनको देख लेते हैं जैसे अगर हमें रिपीटेबल लेवल टू पे हमारी कोई कंपनी आती है तो उनके लिए के क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट तो इनिशियल लेवल में तो क्या करा हम बस प्रोजेक्ट बना करके दे रहे थे कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई कुछ भी नहीं था लेवल टू में आए तो जो हमारे पास पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनके बेसिस पे हमने कुछ नए प्रोजेक्ट्स लिए और जब नए प्रोजेक्ट्स लिए तो अब अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हमने और बेटर तरीके से करी प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट हो गई अब प्लानिंग प्रोसेस को हम यहाँ पे अच्छे से फ्रीज़ करने की कोशिश करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं जो मैं सॉफ्टवेयर्स है वो किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन पे डेवलप हो रहे हैं उनको एक स्टेबलाइज फॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए वो प्रॉपर्ली मैनेज करने का प्रोसेस डिफाइन करेंगे इसमें क्या एस डी एल सी हमारा क्या डील कर रहा था कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस डिफ़ाइन कर रहा है लेकिन अब यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट लिखा है तो इसका यहाँ पे ये यह मतलब है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से मैनेज करके रखेंगे उस चीज़ से डल कर रहा है तो ये बेस्ड आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें के पी एस के अंदर सी के अंदर कि हम जो भी बात यहाँ पे कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर रहे हैं प्रोडक्ट लेवल पे नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात हो रही है सो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से आने वाले प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को मैनेज करेगी उस चीज़ पे डील कर रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट और जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उनको कैसे डील करना है सॉफ्टवेयर जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन करना है एंड अगेन हेयर कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट वाली बात आ गई ये हमारे टोटल के हो गए लेवल टू के ये के ये की प्रोसेस एरियाज इन सारे प्रोसेस एरिया को प्रॉपरली डिफाइन अगर हमने कर लिया तो मतलब हम लेवल टू कंपनी सर्टिफाइड हो गए लेवल टू सर्टिफिकेशन गेट करने के बाद द कंपनी द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर लेवल थ्री नाउ कमिंग टू द लेवल थ्री पार्ट हियर, इसमें क्या आ गया पियर रिव्यूज इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फोकस ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स मतलब आप इसमें क्या आ गया अपने अपने जो कुछ मेन प्रोसेसेस थे और जो भी मैनेजमेंट वाली चीज़ें थी उन सबको लेवल टू में डिफाइन करके आप आगे आगे अब जितनी चीज़ें ऊपर डिफाइन करी थी उनको और इन्हांस कर रहे हैं यहाँ पे पीयर रिव्यूज मतलब आप पहले तो सारी चीज़ें खुद कर लेते थे अब क्या है आसपास अपने जो पेयर्स हैं उनसे भी रिव्यू करा रहे हैं अपने कोड को एंड एवरीथिंग सारे डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करा रहे हैं फिर इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन जो भी हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है या सपोज कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल ग्रुप की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो आप सारे प्रॉपर ग्रुप कोऑर्डिनेशन होते हैं या नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन प्रॉपर प्रोसेस डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस उसके की प्रोसेस फोकस एरियाज़ निकाल लिया कि कभी भी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो किस तरीके से हम उसका फोकस पॉइंट डिसाइड करेंगे तो ये सारे चीज़ों को और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मतलब हमने एक इनिशियल काम ख़त्म कर दिया अब ट्रेनिंग पे भी वर्क करने लगे हैं इसके अंदर आकर के कि, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते चलें कि वो और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे रेडी होते जाएँ तो डिफाइंड लेवल पे हमने इन चीज़ पर वर्क करा नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज द लेवल फोर तो जब जो भी कंपनी सी एम एम थ्री सर्टिफाइड हो गई नाउ दे विल वर्क फॉर सी एम एम फोर लेवल और सी एम एम फोर लेवल के लिए वर्क कर रहे हैं तो मीन्स यू हैव इनहेरिटेड दी क्वालिटीज ऑफ सी एम एम वन टू एंड थ्री ऑल तो आपके पास सारी क्वालिटीज़ है नाउ कमिंग टू द लेवल फोर इधर दो के पी एज हैं क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट तो ये बेसिकली क्या है क्वांटिटेटिव वर्क पे फोकस करेगी किसके ऑर्गेनाइजेशन के तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्वांटिटेटिव लेवल प्रोसेस पे वर्क करेगा कि किस तरीके से वो अपने प्रोसेस को क्वान्टिटाइव करे और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और बेटर तरीके से इनहेंस कर पाए तो उन चीज़ों के मैनेजमेंट पे हम लेवल फोर पे वर्क करेंगे और यहाँ तक आकर के लेवल फ़ोर तक आकर के एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो चुकी होती है हम मैनेज तो लेवल का नाम ही है मतलब एक अच्छे तरीके से उसने अपने सारे प्रोसेस को डिफाइन कर लिया होता है सब कुछ अच्छे से हो चुका होता है एक टाइम पीरियड पे नाउ कमिंग टू द लेवल फ़ाइव अब लेवल फ़ोर उसको मिल गया नाउ कमिंग टू द लेवल फाइव लेवल फ़ाइव द ऑप्टिमाइजेशन अब तक लेवल फ़ाइव का मीनिंग ये हो गया कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सारे प्रोसेसेस सारी ट्रेनिंग्स जो भी मैनेजमेंट एरियाज थे सब चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर लिया है डॉक्यूमेंट कर लिया है कभी भी कुछ होता है तो वी हैव अ पर्टिकुलर प्रोसेस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में जाने के लिए प्रोजेक्ट को डेवलप करने का अलग प्रोसेस होगा लेकिन उस प्रोजेक्ट तक आने का जो प्रोसेस है उसको डिफाइन कर रही है क्या हमारी सी एम एम द के पी एस ऑफ सी एम एम फाइव यहाँ पर क्या है प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन हमने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया कि अब हम यहाँ पे चेंजेस को एंटरटेन करने लगे हैं अभी तक तो हमने सब चीज़ें डिफाइन कर दी तो जो हमने प्रोसेस ऊपर डिफाइन कर दिए सब कुछ कर दिया अब उन प्रोसेस में भी हम चेंज अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट हमें चेंज की भी रिक्वायरमेंट मांगता है तो हम उसको भी इंटरटेन करने के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को तो प्रोसेस चेंज कोई टेक्नोलॉजी अभी तक तो हमने सब क्या एक तरीके से काम करा अब टेक्नोलॉजी चेंज को भी हम एंटरटेन कर पाएँ उन पर हम प्रॉपरली वर्क कर पाएँ उस तरीके के हमारे पास रिसोर्सेज हों तो हर चीज़ों को मेनटेन करने के लिए यहाँ पे हमने वर्क करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे हम बेसिकली चेंज मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एंड थर्ड पॉइंट इज डिफ़ेक्ट प्रिवेंशन मतलब कम से कम डिफेक्ट्स आए हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में उस चीज़ से भी डील कर रहे हैं तो अब हमने पहले ही बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए होंगे इतने प्रोजेक्ट्स आप लेवल फाइव तक आ जाते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स भी होते हैं कि हाँ आपने सो एंड सो प्रोजेक्ट्स बना लिए या इतने नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स बना लिए इतने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बना लिए तो हर तरीके से आपको सर्टिफाई करा जाता है हर तरीके से पहले आपको वेरीफाई करके देन यू गेट द सर्टिफिकेशन तो सी एम एम फाइव लेवल कंपनीज़ बहुत कम है बट स्टिल वी हैव सी एम एम फाइव लेवल कंपनीज़ So, this is all what is CMM.